लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, ओके? हेलो ऋषि। हेलो मैम। सीनियर डॉक्टर ने आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाया है। एनीथिंग सीरियस? यस, कम इमीडिएटली। मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी गीता, शॉपिंग कभी बाद में चलेंगे, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। ऋषि, आपने अर्जेंटली बुलाया, बात क्या है मैडम? आपने जिसे एडमिट किया था उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन? क्या हुआ डॉक्टर? बिकॉज ही हैज अ स्टमक प्रॉब्लम, इसलिए हमें ऑपरेट करना पड़ा। Come on, sit down. मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। यहाँ जो राजू को मारने आए थे वो दरअसल राजू को ही मारने आए थे या तुम्हें फंसाने आए थे, मैं नहीं जानता। सॉरी सर, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि राजू का ऑपरेशन हुआ क्यों? सर बताएंगे एक्चुअली हुआ क्या है? हेड इंजुरी की वजह से दरअसल वो अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर जल्दी नहीं आ पाया। हमने सारे टेस्ट किए, सारे स्कैन्स भी कर लिए। Everything was normal except the digestive system. Abdominal scanning करने के बाद मैंने जब scan reports देखी, I really got shocked because we found something strange in it. क्या था वो डॉक्टर? Memory card. Memory card? Yes. See? ये इसके पेट के अंदर से निकला? Yes. जरा यहाँ देखिए। I think राजू ने जरूर इसके अंदर कोई राज छिपा रखा है। ओके ऋषि,
हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ओके? सर, हाँ? सर, ये मेमोरी कार्ड हमें चाहिए। देखो ऋषि, कानून इसकी इजाजत। सर, इट्स आल्सो आवर केस। ओके, हैव इट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। क्या कर रहे हो ऋषि? इस मेमोरी कार्ड में क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, और कोई तो बताए इसका हलो मेरे भाई। इसको कहते हैं राजू ऑटो वाले की डैशिंग एंट्री स्टाइल। कैसी लगी आपको? आप सोच रहे हैं मैं गाना क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि आज मेरी जानू का हैप्पी बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डियर रानी। इस दुनिया में जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो अपने प्यार के लिए ताजमहल बना सकते हैं या उन्हें गुलाब का गिफ्ट भी दे सकते हैं। पर मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर याद करती रहोगी मुझे। तुम जानती हो वो गिफ्ट क्या है? बचपन से मुझे दो ही चीज बड़ी पसंद थी, एक थी मेरी माँ और दूसरे मेरे हनुमान जी। यही मेरी दुनिया थी। पर क्या हुआ पता नहीं, जब से जवानी के दहलीज पर कदम रखा, इश्क लड़ाने का रोग सर पर सवार हो गया। और क्या था, इस गांव में रहने वाली हर लड़की के ऊपर मेरी नजर थी, पर हर लड़की के अलग ही मिजाज थे। एक वो जो कहती है कि प्यार व्यार पर उसे विश्वास नहीं, सिर्फ शॉपिंग और खाने पर ही उसको ध्यान रहता था। दूसरी कहती है कि प्यार कर सकती हूँ पर शादी नहीं कर सकती। तीसरी कहती है कि शादी के बाद छोड़ो, अपना बैंक बैलेंस बताओ। सारी लड़कियाँ सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में सोचती है, सच्चे प्यार की तो कदर ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि प्यार करने के लिए पैसे नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। बस इसी बात को लेकर मैं मायूस बैठा था और दिल हार कर सोच रहा था, और तभी मुझे अचानक से तुम दिख गई। कसम खाकर कहता हूँ कि जिंदगी में तुम जैसी लड़की के लिए जान भी देने का मन कर रहा था, इतनी खूबसूरत दिख रही थी तुम। तुम्हें देखकर मुझे हजार वोल्ट का झटका लगा, पर उससे ज्यादा झटका तब लगा जब तुम्हारे पीछे तुम्हारे बॉडीगार्ड खड़े दिखे। जब भी तुम्हें अकेले देखता तब मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे रहता, पर तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाया। रानी, I love you। तुमसे बात करने की कोशिश की मैंने हर बार, पर मैं नाकामयाब रहा। तुम्हारे घर के आसपास में हमेशा चक्कर लगाने लगा। मुझे पता चल चुका था कि प्यार करना आसान नहीं है, और उस प्यार को हासिल करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक बार मैंने तुम्हें अपने घर की ओर से गुजरते हुए देखा। आई लव यू रानी। दिल कर रहा था कि मैं जोर से चिल्लाकर बोलूं, पर तुम्हारा वो सांड बॉडीगार्ड पीछे मुड़कर घूर रहा था, इसीलिए मैं मन में बोल रहा था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है, कब से ओल्दो क्या बोले जा रहा है? ये ले पकड़ इसको। मैं तुम्हें आई लव यू कह रहा था, पर मेरी माँ को ऑयल दो करके सुनाई दिया, और उन्होंने ऑयल का डब्बा मेरे हाथ में थमा दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि कुछ नहीं होने वाला, सीधा मैं अपने बॉस हनुमान जी के पास पहुँच गया। ये क्या है भगवान, मेरा दिल एक लड़की पर आ गया है, उसके साथ मेरा मामला सेट करोगे या नहीं? क्या यही हमारी दोस्ती है? इसके लिए मैं आपके पास रोज आता हूँ, रोज आके प्रसाद चढ़ाता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं है। बकवास बंद करेगा, कब से लेक्चर दे रहा है? हनुमान जी, ये आपकी आवाज थी क्या? और नहीं तो क्या। पर ये कैसे हो सकता है, मुझे आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? मेरी आवाज तुम्हें नहीं तो क्या, सारी दुनिया को सुनाई देगी। ठीक है, ये बताओ आप क्या करने वाले हो मेरे लिए? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं, किसके पास आकर क्या मांग रहे हो? अरे मूर्ख, मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़की को कैसे मना सकता हूँ? तो क्या कहना चाहते हैं आप, यही कि मेरी शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं, जरूर होगी, लेकिन जिनके पास जाना चाहिए उनसे जाकर पूछो। बताइए किससे पूछूं? वो देखो सामने बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कैसे विराजमान है, उनसे जाकर कहो कि मैंने बताया है, वो तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो वो मेरे बॉस है। ठीक है, मैं जाता हूँ। ए मूर्ख, उस तरफ मत जाना, वहाँ श्री कृष्ण है, उनसे बात करोगे तो एक की जगह 100 लड़कियाँ सामने लाकर खड़ी कर देंगे। ओके बॉस। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे हनुमान जी ने मेरे बारे में आपको बताया ही होगा, इतने दिनों से मैं आपके पास नहीं आया, इसलिए प्लीज आप गुस्सा मत होना। मेरी रानी अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो
ये क्या भगवान, पैसे दिए खूबसूरती दी, एक ऐसा परिवार दिया जो मेरे कदम जमीन पर भी नहीं पड़ने देता। आलिशान बंगले में पल रही हूँ मैं भगवान, पर क्या फायदा, मेरे घर वाले मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं देते। इस गांव का कोई भी लड़का मुझे आँख उठाकर देखता भी नहीं। मेरी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है भगवान, और मैं हूँ कि पिया के सिर्फ सपने सजा रही हूँ। देखो भगवान, मुझे पता है मेरे घर वाले मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ अब आप ही मेरे लिए कोई लड़का ढूंढिए। क्यों, समझ गए ना मेरी बात? घोर अनर्थ बेटा, मंदिर में ऐसी हरकत कर रहे हो, लज्जा नहीं आती है क्या तुम्हें? ऐसी हरकत करनी है तो गार्डन में जाओ। पंडित जी, मैंने आपको किस किया या इस लड़की को किस किया? इस लड़की को ही किस किया ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? जाइए अपनी पूजा कीजिए। रानी रानी, आई लव यू रानी, पता है मैं कब से तुम्हें ये बात कहने की सोच रहा था। मैंने शहर में एनिमेशन कोर्स किया है, अगर तुम मान जाओगी ना तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने तुम्हें किस किया इस बात का बुरा मत मानना प्लीज, मेरी बात पर विश्वास करो रानी। रानी, अरे बाप रे, ये लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे ना। ए राजू, यहाँ पर आ। हाँ भाई, आपने बुलाया भाई। अरे जल्दी आ। हाँ भाई, कहिए ना। ए, गाड़ी खराब हो गई, छोटी मालकिन को घर छोड़ दे। हाँ ठीक है भाई, आप जाइए इनके साथ, जाइए। ए, बीच रास्ते में मत उतारना, वरना बहुत मार खाएगा, सीधा घर छोड़कर आना। हाँ जी भाई, चल जा। हेलो हेलो राजू, मैं यादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार मेरी वाली आज बहुत खूबसूरत लग रही है, उसे किस करने का मन कर रहा है बताना, क्या करूँ? तुझे जो करना है तू कर, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, चल फोन रख। रानी एक बार नीचे तो उतरो प्लीज, रानी रानी प्लीज, रानी प्लीज, रानी बस एक बार नीचे उतरो। क्या हुआ? अरे ये क्या, उठो, मैंने कहा उठो। प्लीज रानी मुझे माफ कर देना, वो क्या है कि मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ वैसी हरकत कर दी, मैंने तुम्हें मंदिर में देखा और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें किस कर दिया। उठो, मैंने कहा उठो। क्या कहा? अनजाने में किस किया, मतलब मुझे किस करके तुमने जुर्म किया है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचने लगी। मुझे किस करने वाला कोई बहुत बड़ा तोप होगा सोचा था, तुम में तो दम ही नहीं है। मुझे लगा था मेरे घर वालों से तुम मेरा हाथ मांगोगे, पर तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। छह। अरे रानी, सॉरी रानी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। ये ऑटो वाला क्या गड़बड़ी कर रहा है, देख जरा। अरे कहां से गया तू, चल इसके पास, जल्दी चल। क्या कर रहा है? रानी मुझे माफ कर दो, रानी प्लीज प्लीज रानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तेरी तो छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हो उसे? छोटी मालकिन, हमने देखा ही आपको छेड़ रहा था। किसने कहा? अपने मन से कुछ भी बोलोगे, पागल हो क्या? जैसे हमारी कार खराब हो गई, उसी तरह इसकी ऑटो खराब हो गई, इसलिए हम यहाँ रुक गए। अगली बार ऐसी खटारा गाड़ी बाहर निकाली ना। माफी चाहता हूँ, गाड़ी ठीक हो गई, हमारे साथ चलिए। कुछ बोलेगा भी? वही कह रहा हूँ, बीड़ी पीना छोड़ना चाहिए। क्या रे, बीवी की बात मानकर बीड़ी पीना छोड़ दिया? मेरी बीवी हमेशा कहती है कि दारू पीना छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूं क्या? रोज एक पैग मारता हूँ और घर जाकर उसको मारता हूँ।
रानी 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 उठो रानी रानी आंखें खोलो रानी 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 क्या तुम सब अरे बाप रे सेलफोन के लिए इतनी सिक्योरिटी देखने दो अच्छा हुआ तुम्हें शौक लग गया मेरा टैलेंट दिखाने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा क्या हुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो क्या है तुम्हें शौक लगा और तुम पानी में गिर पड़ी ए, मेरा फोन लिया तुमने मैंने नहीं लिया ए, सीधे से कह रही हूँ मेरा फोन दे दो नहीं दिया तो मैं चिल्लाऊंगी मैं नहीं देने वाला मेरा फोन दे दो नहीं दूंगा बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुम्हें मुझे मेरा फोन दे दो वाकई में तुम आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो एक काम करते ना शादी कर लेते मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा गुंडे कहीं के क्या कहा मुझसे शादी करोगे तुम मुझे जानते नहीं हो मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे टुकड़े कर देंगे ड्रामा मत करो मेरा फोन दो ये क्या रखा तुमने मेरे फोन में उसमें मैंने कुछ रखा है एक काम करना घर जाकर देखना तब पता चलेगा क्या है क्या रखा है बताओ ना देखो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं उन्हें छोड़ो पहले तुमने मेरे फोन में क्या रखा है बताओ मैंने कहा ना घर जाकर देखना देखना डायल लिस्ट में मेरा नंबर होगा उसमें से मुझे फोन करना चलता हूं मुझे फोन करना भूलना मत क्या रखा होगा फोन में मेमोरी कार्ड आजकल कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही है हाँ पागल हूँ ना मुझे भी ऐसे ही लगता है पागल कहीं की रानी क्या हुआ हेलो अब ये पागलपन बंद कर और आकर खाना खा ले मुझे भूख नहीं है तुम जाकर खा लो आजकल फोन पर कुछ ज्यादा ही लगी रहती है तेरे भाई को पता चलेगा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ देगा अरे बाबा ए माँ तुम जाओ यहाँ से भाई को मैं समझा दूंगी हेलो हेलो मैं बोल रहा हूँ मैं के बहुत नाम होते हैं सिर्फ मैं बोल के फायदा नहीं है जल्दी बताओ आनो मतलब तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया ए, पहले ये बताओ तुम कौन हो और मैं तुम्हारा नंबर क्यों सेव करूं? क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूं। ओ, ऑटो ड्राइवर रानी मुझे बेवकूफ मत बनाओ तुमने वो वीडियो जरूर दिखा होगा तुम बहुत घमंडी हो ना इसलिए ऐसी बातें कर रही हो तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगी तो क्या बाजू वाले से करूंगी रानी प्लीज मुझे लगा तुमने वो वीडियो जरूर देखा होगा इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया किसने कहा था फोन करने रानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ अगर गुस्सा दिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ओ, अच्छा क्या करोगे तुम क्या करूंगा बोलूंगा नहीं तुम्हें आधे घंटे में तुम्हारे पास आता हूँ तब देखना कि मैं क्या करता हूँ हेलो हेलो आधे घंटे में तुम्हारे पास आता हूँ तब देखना कि मैं क्या करता हूँ आधे घंटे में तुम्हारे पास आता हूँ तब देखना कि मैं क्या करता हूँ आधे घंटे में मेरे घर आ जाओगे और मेरा बुरा हाल करोगे बस तुम जैसे लड़के ना सिर्फ बातें ही करते रहते हैं बाहर कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तुम सपने सजाने लग जाते हो मुझे सब पता है मरते ही के तुम तो गई अब देखो मेरी मर्दानगी दिखाता हूँ तुम्हें ए! ए, अपनी बकवास बंद करो और ध्यान देकर सुनो दुनिया में सिर्फ तुम अकेले लड़के नहीं हो तुमसे भी कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का मुझे मिल सकता है मैंने तुमसे इसलिए प्यार किया क्योंकि तुम में दम है तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत देखकर मैं पिघल गई और इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई मेरे भाई को तुम जानते नहीं हो वो 6 फीट का है और तुम तो उसके आधे भी नहीं हो अगर उसे पता चल गया ना तो मेरा क्या हाल होगा पता नहीं पर तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा आगे चलकर तुम उसे मारोगे या वो तुम्हें मारेगा इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं पर फूलों का हार मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से पहनूंगी अगर मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश की ना तो मेरे भाई का पता नहीं पर मैं तुम्हें काट दूंगी ए!
अगर भागना होता तो मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता। अगर डरपोक होता तो सरेआम मंदिर में किस नहीं करता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी जान भी दे सकता। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर अगर मेरी शादी किसी और से होगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जल्दी हूँ। जा कर रही हूँ। रुक भी जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर बातें करते हैं। यहाँ रुक कर मुझे संसार नहीं बसाना है। अरे वाह, ये बात सुनने के लिए कितना अच्छा लग रहा है, तो संसार बसाने में कितना मजा आएगा सोचो। अपनी बकवास बंद करो, ये सब शादी के बाद। अरे रुक भी जाओ।